तू ही तेरा नाम सही तू ही तीन लोक सिरदार पानी से पैदा करे और बड़े गरीब नवाज नगर मदीने बीच में है तुम्हारा बास कवि बनवारी लाल सत्य गुरु मिले नित रहूं चरण का दास आदरणीय सज्जनों बुजुर्गों नौजवान साथियों माता और बहनों आज आपके सामने जगदीश कैसेट कंपनी की तरफ से पंडित लक्ष्मीचंद का बनाया है मशहूर सांग पूर्ण मल आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो सुनिए सियालकोट पंजाब के रहने वाले राजा सलेभान जिनके दो रानी थी बड़ी का नाम इंचरा दे और छोटी का नाम नूना दे। दो रानी थी लेकिन संतान कोई सी नहीं थी। एक समय का जिक्र है सियालकोट में जती जलंधरनाथ और गुरु गोरखनाथ आ जाते हैं। महाराज को पता लगा सलेभान को कि तुम्हारे बाग में और तुम्हारे शहर में जती जलंधरनाथ और गुरु गोरखनाथ आए हैं। तो महाराज भी वहां पर चले जाते हैं। सलेवान गुरु गोरखनाथ की सेवा करी बड़ी सेवा करी गुरु गोरखनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने मुख से वरदान देते हैं कि जाओ आपके एक लड़का होगा और उस लड़के का नाम पूर्णमल रखना है। और गुरु गोरखनाथ कहने लगे पूर्णमल खूबसूरत इतना होगा कि उसके मुकाबले का और कोई नहीं होगा। 12 साल के लिए वो भावरे में रहना चाहिए। अगर आप उसको बाहर रखोगे तो इंद्र की अप्सरा उसको उठा के ले जाएंगी। राजा सलेभान ने भावरे के अंदर हरेक इंतजाम करवा दिया। पूर्णमल के दूध पिलाने के लिए दाह छोड़ दी और पढ़ाने लिखाने के लिए ब्राह्मणों का इंतजाम कर दिया। 12 साल पूरे हो जाते हैं और जगह जगह से 360 जगह से पूर्णमल के रिश्ते आ जाते हैं। पूर्णमल के जो रिश्ते आए तो राजा सलेभान अपने बेटे को भौरे से बाहर बुलाता है। यहां से यह सांग शुरू होता है। श्रद्धा करके जोर से गौ माता की जय बोले बोल श्री गौ माता की। मैं जोर से बोला करो बोल श्री गौ माता की। मैं एक बार और बोलो बोल भारत माता की। तो राजा सलेभान अपने लड़के पूर्णमल से क्या कहता है सुनिए एक बात। हाँ बेटा पूर्णमल। पिताजी राम राम। राम राम। देखो बेटा बोलिए आपकी 360 जगह से ब्याह और शादी के कार्ड आए हुए हैं। अच्छा हाँ यानी मेरी सगाई आई है। हाँ फिर क्या करूँ। आप जहाँ का भी जी चाहे वहाँ का रिश्ता ले सकते हैं। पिताजी हाँ मैं शादी नहीं करवाता। क्यों नहीं मैंने ऐसे रहना है जती रहूंगा मैं और शादी नहीं करवाऊंगा। देखो बेटा शादी बड़े बड़ों ने करवाई है। पिताजी उधर ठीक है लेकिन मैं शादी नहीं करवाऊंगा। शादी बिल्कुल नहीं करवाओगे। बिल्कुल नहीं करवाऊंगा मैं। तो ऐसा करो हाँ आप पहले अपनी छोटी माँ के पास जाओ। छोटी माँ। हाँ बेटा मैंने 2 शादी करवाई है। आपने 2 शादी करवाई। 20 और करवा दे। ओ पिताजी हाँ आपने 2 शादी करवाई है। हाँ यानी एक तो मेरी माँ बड्डी है और एक छोटी है। मैं छोटी के पास जाऊँ। आप छोटी के पास जाओ ताकि वो ये ना समझे कि मेरा बेटा तो मेरे पास आता। इसलिए पहले अपनी छोटी माँ के दर्शन करो जाके। ठीक है पिताजी मैं जाता हूँ। जाओ। सुनो लड़का अपने पिता के कहने से अपनी मौसी के महल की तरफ चल दिया। एक डोटी पे बांदी खड़ी थी। लड़के ने पता नहीं था भाई ये तेरी माँ है या बांदी है ये कौन है। नदान था फिर 12 साल में भौरे से लिगड़ा था उसको पता नहीं था। इबाग के बांदी खड़ी थी। पूर्ण मलून से बात करता है। हाँ माता जी राम राम। देखिए राजकुमार मैं आपकी माता जी नहीं हूँ। और आप कौन हो। मैं तो आपकी माता की दासी हूँ। अच्छा मेरी माता की दासी हो। जी हाँ मेरे लिए कोई हुक्म बतलाइए।
ये कोई बात नहीं, आप भी मेरी माँ के समान हो। ठीक है, आप एक काम कर दो। क्या? मेरी माँ के महल में जाके ये कह दो कि तेरा लड़का पूर्ण मल आया है, तेरा बेटा, और आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। जाइए। सजनो बांदी रानी के पास जाती है, एक बात में क्या कहती है सुनिए। एरी खड़ा हुआ बच्चे बेटे सुधीर घणी देर का तेरा पूरण राज कवार जापुत कार ले चाकरी तेरी खड़ा हुआ घणी देर Yeah.
के दुखड़े मिटेंगे तमाम, दुखड़े मिटें तमाम, कुछ काम नहीं फेर का, जल्दी करो ने विचार, जा कुछ कार ले जा करी तेरी खड़ा हुया अच्छा ठीक है सर लो। रानी ने जब पूर्ण मन के आने की सुनी तो एकदम चाह में भर जाती है, खुश हो जाती है और क्या कहती है और कैसे आती है सुनिए। दस पंद्रह डंग दर के और पूरण मल के दर्श करने की समय मिली से मर के और बेटे की सुने खड़ी जन पूर्णवासी का चंदा, पूरण मल का रूप सवाया रानी का रंग मंदा, पकड़ काल चा तड़फण लगी बड़ा इसके का पलदा, पकड़ काल चा तड़फण लगी बड़ा इसका पलदा, किसे शिकारी ने उठे दिया मार दुगाड़ा भर के पूर्ण मल के दर्श करने की सगा मिली से मर के और बेटे की सुने हाजी दस पंद्रह Yeah!
हुई खड़ी झट बहु बन कैसर माई, इसे मर्द ते मेल करूं मेरी जिब हो सफल कमाई। बेटा कह रही थी, लेकिन रानी के दिल में फर्क आ जाता है, क्या इतना सुतरा तो तेरा पति होना चाहिए था, अगर तेरी और पूर्णमल की चोट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे, रानी के दिल में पाप आ जाता है। और लड़का माता कहता है, लेकिन रानी के दिल में बेईमाना था। माता जी राम राम। मैंने कहा राम राम। माता जी राम राम। कह तो दिया राम राम। ये आपकी कोई राम राम नहीं। आड़े तेरी माँ को ना। नहीं आप मेरी माँ हो। ना ना मैं तेरी माँ को ना। मेरी माँ कह तो मिलेगी पथरी कह को हम मैं अरे तो भूमिया पर चल चंदा से देखो मैं आपका बेटा हूँ,
आपने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। कैसे भला? मेरी बात सुनिए। एरी तेरा पूरण पूत खड़ारी जल मैं किसन हो कह करी बतीड़ा वैसे ओली सोली ओले तेरी कड़ में एरी तेरी कड़ में मन पुचकार सके गोकावे से कोई मोरे नचरी सामन के झड़ में तेरी सामन के झड़ में किसने करना नाच सकावे से माता जी। हाँ एक बात और है के? माता कर देते की खास करी ईश्वर का भजन तलाश करी ईश्वर का भजन तलाश साल लंबे लंबे सांस तेरे री धड़ में एरी तेरे धड़ में किसी तिरछी नजर लखावे से माता नहीं हूँ। नहीं नहीं आप क्या कर रही हो? ये मैं ठीक कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए। सुनाइए। ओ मेरे जिगर में खटके से तेरी सूरत भोली भोली ओ मंगती करके भीख घाल दे मांगू सू करी चोरी ओ Thank you.
करी रहा